बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, क्या आज हम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से एक अपडेट आई है मेरा लिस्टों के शेड्यूल के हवाले से, वो आपसे इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। आपकी पहली मेरा लिस्ट कब लगेगी है कि जो है वो न्यू नोटिफिकेशन जारी हुआ है क्याद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से, वो आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो में अपडेट शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद आल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की जो पहली मेरिट लिस्ट थी वो शेड्यूल के मुताबिक जो है वो 15 अगस्त 2023 को लगनी थी। तो 15 अगस्त को आपकी पहली मेरिट लिस्ट लगनी थी क़ायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की। अब इसमें चेंजिंग क्या हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो है वो इस पूरे वीक क्लोज रहना है 15 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक। तो अब जो है वो स्टूडेंट्स आपका जो फीस जो आपकी मेरा लिस्ट लगनी थी वो किधर जाएगी, और स्टूडेंट्स कैसे फी पे करेंगे, और मेरा लिस्ट क्या मेरा लिस्ट जो है वो डिले होगी या उसी डेट को लगेगी, उसके हवाले से आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, पहले तो यूनिवर्सिटी से जो न्यूज़ आई थी उसमें उन्होंने ये बताया था कि यूनिवर्सिटी जो है वो क्लोज रहेगी 15 से 18 तक। क्लोज तो रहनी है, यह तो कन्फर्म है, यह तो नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आपकी मेरा लिस्ट जो है वो डिले होगी या नहीं होगी उसके हवाले से स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हैं। स्टूडेंट्स, आपके जो यूनिवर्सिटी ने क्योंकि क्लोज रहना है और इस वजह से स्टूडेंट्स आपका जो पोर्टल है वो अपडेट कर दिया गया। पहले आपको जो है वो फी पे करने के लिए यूनिवर्सिटी आना पड़ता था, अब यूनिवर्सिटी ने होना है बंद 4 दिन इस वीक। तो आपसे बार उन्होंने कहा अगर हम जो है वो अपने मेरा लिस्टों का शेड्यूल आगे करते हैं तो आगे हमारा क्लासेस का जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहले ये कहा जा रहा था कि इसकी जो मेरा लिस्ट है वो जब यूनिवर्सिटी ओपन होगी उस वक्त जो है वो लगाई जाएगी पहली मेरा लिस्ट, मतलब 19-20 को। लेकिन अब जो आज अपडेट आई है क़ायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से, अब उन्होंने ये कहा है कि क़ायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से जो पहली मेरा लिस्ट की अपडेट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि मेरा लिस्ट अपने शेड्यूल के मुताबिक ही हम लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स, उन्होंने ये जो सोर्सेज है जो न्यूज़ आई है उसमें उन्होंने यही कहा कि हम शेड्यूल के मुताबिक ही अपनी पहली मेरा लिस्ट लगाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक स्टूडेंट्स आपकी जो पहली मेरा लिस्ट है वो 15 अगस्त को लगनी है। अब यूनिवर्सिटी जो है वो तो बंद होगी, तो स्टूडेंट्स फी कैसे पे करेंगे स्टूडेंट्स वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपकी यूनिवर्सिटी तो बंद रहनी है 14 से लेकर 18 तक। तो स्टूडेंट्स, आपके यूनिवर्सिटी वालों ने आपका जो पोर्टल है एडमिशन पोर्टल है वो अपडेट कर दिया। अब आप जो है वो पोर्टल पर जाके अपना चलान डाउनलोड कर लेंगे। वो चलान कौन से स्टूडेंट्स डाउनलोड करेंगे, जिन स्टूडेंट्स का नाम मेरा लिस्ट में आएगा, और जिन स्टूडेंट्स का मेरा लिस्ट में नाम नहीं आएगा उनको कोई चलान नहीं मिला। तो जिन स्टूडेंट्स का नाम मेरा लिस्ट में आएगा, उम्मीद है आपकी 15 या 16 को, उम्मीद तो है 15 को मेरा लिस्ट लग जाएगी। अगर 15 या 16 को आपकी मेरा लिस्ट लगती है तो आपने चलान उधर से जाकर कर लेना डाउनलोड। अगर आपका नाम आ जाता है तो डाउनलोड करने के बाद आपने अपनी करीबी जो बैंक है अपने ही सिटी में उधर जाके आपने जो चलान है वो पे कर देना। चलान के ऊपर जो बैंक है वो मैंशन होगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने अपने घर बैठे ही आप जो फी है वो पे कर देंगे, और जब आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन हो जाएगी उस वक्त जाके अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करवा देने हैं। तो ये जो न्यूज़ है, ये जो अपडेट है, ये जस्ट जब तक यूनिवर्सिटी जो है वो क्लोज है 4-5 दिन उस दिन के लिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी ये कहे, उसके बाद अगर आगे मजीद जो मेरा लिस्ट लगेंगी उसमें यूनिवर्सिटी जो है वो मे भी जो यूनिवर्सिटी है मे भी वो सेकंड प्रोसीजर को अडाप्ट करे कि जब आपका मेरा लिस्ट में नाम आएगा तो आपको फी यूनिवर्सिटी ही आके पे करनी पड़ेगी जब यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। लेकिन अभी जो है वो आप फी जो है वो अपने सिटी में पे कर सकते हैं जब तक यूनिवर्सिटी बंद है। तो उस वक्त तक स्टूडेंट्स आपके लिए यही अपडेट है कि आपका नाम अगर मेरा लिस्ट में आ जाता है, अगर मेरा लिस्ट लगती है तो आप जो है अपने सिटी में ही अपने करीबी बैंक में ही जाकर जो फी है चलान है वो अपने करीबी सिटी में बैंक में जाकर आप फी चलान जो है वो पे कर देंगे। उस फी चलान पे करने के बाद उसकी जो पिक है वो वापस जो है वो वेबसाइट पे जाकर एडमिशन पोर्टल पे आप अपलोड कर देंगे। तो इस तरह जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स जरूर जमा करवाने हैं क्लासेस शुरू होने से पहले पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी जाके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जिसमें आपने फी पे की होगी उसमें आपने जाकर डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। तो सुनो, ये आपकी अपडेट आई थी। इंशाल्लाह आपकी जो पहली मेरा लिस्ट है वो 15 या 16 को लगेगी। तो आप जो है वो थोड़ा सा एक्टिव रहें, बाकी इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स आएंगे जब भी मेरा लिस्ट लगेगी मैं आपसे इसी चैनल पर अपडेट शेयर कर दूंगा। चैनल को आप लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। अगर मजीद आपका कोई सवाल हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।